नमस्कार, मैं अंजू और आज हम डिस्कस करेंगे अक्वेरियस अर्थात कुंभ लग्न के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा। साल के आरंभ में 17 जनवरी को सैटर्न ट्रांजिट होकर आपके लग्न में आ जाएगा और अक्वेरियस साइन है आप और लग्न में अक्वेरियस है और अक्वेरियस सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन भी है। तो यहाँ आया हुआ सैटर्न आपको, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो ये पूरे साल आपको काफी हार्ड वर्क कराएगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी बहुत सारे अच्छे मिलेंगे, बट हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आप इस साल करने वाले हैं। सेल्फ ग्रोथ इस साल काफी अच्छी होगी और जिस भी फील्ड से आप जुड़े होंगे उस फील्ड में अपने लिए कुछ हार्डवर्क से अपने अच्छा अचीव करने की कोशिश करेंगे आप। अब जहां भी सैटर्न बैठता है वहां से वो थर्ड हाउस, जहां भी बैठा है वहां से तृतीय हाउस, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस को आस्पेक्ट करता है। तो ये सैटर्न का थर्ड आस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे आएगा और यहाँ से हम पराक्रम को देखते हैं, साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन को भी देखते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ यहाँ पर सैटर्न का आस्पेक्ट आपके भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन स्पेशली, उनके साथ रिश्ते को स्ट्रेंथन करेगा और साथ ही साथ उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे इस साल। सेवेंथ आस्पेक्ट आपके लाइफ पार्टनर के साथ के ऊपर आएगा। सेवेंथ हाउस से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं तो हमारा सेवेंथ आस्पेक्ट आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ रहा है। यहाँ पर बिकॉज लियो साइन है जो कि सैटर्न का फेवरेबल साइन नहीं है, तो आप देख पॉसिबल है कि आपको पार्टनरशिप में थोड़ी सी उलझन होगी, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरत है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके ऑपोजिट में कोई भी हो, वो आपका, तो इन सभी लोगों के साथ आपको रिश्ते में थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा टैक्टफुली इनको हैंडल करेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा स्वीट रखें, अब उनके साथ व्यवहार में थोड़ी सी मधुरता रखें। सैटर्न का टेंथ आस्पेक्ट आपके कर्म स्थान टेंथ हाउस पर पड़ेगा और यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन का होना और उस पर आस्पेक्ट का आना ये बता रहा है कि आपको इस क्षेत्र में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो आपका वर्क स्टाइल है या जो आप काम करते हैं, इन दोनों में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी चेंजेस यानी कि वहाँ पर जो पहले से चला आ रहा था उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। पॉसिबल है कि जिस स्टाइल से आप काम कर रहे थे उसको चेंज करके कुछ और तरीके आपको यूज़ करना चाहिए अपने काम के लिए, या पॉसिबल है कि आपका पूरा वर्क प्रोफाइल चेंज होकर किसी और फील्ड में आप काम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इस साल। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब करें और इसका फायदा उठाएं। वैसे तो यहाँ पर आया हुआ सैटर्न आपको पूरे साल हार्डवर्क करना ही है और बिना हार्डवर्क के इस साल कोई रिजल्ट की अपेक्षा ना करें तो बेहतर है। वैसे क्योंकि रीजन ये है कि सैटर्न है और सैटर्न बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं देता। बट स्टिल पोजिशन आपकी अच्छी है पिछले साल से, तो डेफिनेटली बेटर है इस साल। 23 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट होकर आपके थर्ड हाउस में एरी साइन में आ जाएगा। तो जनवरी से अप्रैल तक जुपिटर आपका सेकेंड हाउस में है, तो आपको जनवरी से अप्रैल तक रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय में कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उस वहाँ पे अगर आपने पैसे लगाए हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आप फील करेंगे कि आपको उसके रिटर्न काफ़ी अच्छे मिले हैं। और अप्रैल के बाद जब जुपिटर आपका थर्ड हाउस में होगा तो ये यहाँ पर आया हुआ जुपिटर अच्छा है, उसकी पोजीशन अच्छी है,
लेकिन आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, ट्रैवल आपको डेफिनेटली ज़्यादा होगी। पॉसिबल है कि जो लोग बाहर जाकर के जॉब करना चाहते थे या इंडिया में नहीं बल्कि कहीं और कंट्री में किसी और अब्रॉड जाकर जॉब करना चाहते थे, तो उनको इस साल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बाहर जाकर के भी जॉब कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो अगर अपनी लाइफ अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इस साल प्रोजेनी इज पॉसिबल, आपके घर में एक नए मेहमान के आने की संभावना बनती है। जिनकी शादी नहीं हुई है इस साल उनके लिए समय अच्छा है, जनवरी से अप्रैल तक का समय डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद का भी समय अगर कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए स्पेशली मई से लेकर अगस्त तक, तो आगे उसके पहले के समय और उसके बाद का समय, ये सारे समय आपके लिए अच्छा है, इस समय में शादी हो सकती है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी कर सकते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं इस साल पॉसिबल है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन मिल सकता है, तो दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो अच्छा है, इसे एंजॉय करें। अब अगर हम जहाँ तक मैंने बोला कि लव लाइफ के लिए ये बीच के थोड़े से समय आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं है, तो इस समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधानी रखें। किसी तरह की बिना बात के बात जो बढ़ती है वैसी सिचुएशन आ सकती है, तो अगर पॉसिबल हो तो उससे उसको अवॉइड करें जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चों के लिए स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल अच्छा है। स्टार्टिंग के 4 मंथ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। पॉसिबल है कि आप अगर हार्डवर्क करेंगे तो रिज़ल्ट तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे, पर पॉसिबल है यहाँ पर कि आपके माइंड में थोड़े बहुत भटकाव आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य को ध्यान से देखें। जो फोकस है उस पर आप फोकस्ड रहें, जो आपका पॉइंट है, जो अचीवमेंट है उस पर आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल देखिएगा तो ये साल हर तरह से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे लेकर आया है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको हर फील्ड में एफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट भी इस साल आपको डेफिनेटली मिलेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए। दूसरा कि आपको पेट से रिलेटेड कोई भी ट्रबल हो सकती है। जिनको डायबिटीज़ है हो सकता है कि उनकी डायबिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाए या कंट्रोल न करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस साल में और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले साल में जो भी पॉजिटिव है उसको आप अच्छे से समझकर आगे बढ़ें, और जो निगेटिव है उस पर ध्यान देते हुए उसकी निगेटिविटी को कम करने के लिए कोशिश करें। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू।